ననేమినాహం సచ్చజుయిట్టిరణమౌసియంగిజుగం బంధుదయ సత్తజుత్తం ఠాణసముకిత్తణం ఓచ్చం. नाम कर्म के बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान को त्रिसंयोग में अपन देख रहे थे. यहाँ पर अभी तक ने अभी उदय सत्व स्थानों में बंध स्थान और उदय स्थान देख रहे थे, तो उसमें सत्व स्थानों के स्वामी को लेकर के बंध स्थान और उदय स्थानों को देख रहे थे. तो उसमें 82 तक अपने देखा था सुबह. 80 के सत्व स्थान में नोट्स में 363 नंबर पेज है, सरल है इसलिए अपन इसमें देखते हैं. 80 का सत्व स्थान होगा तो बंध स्थान वहाँ कौन सा होगा, 9वां गुण स्थान और 10वां गुण स्थान, क्योंकि 80 का सत्व 9वें गुण स्थान से है और वो भी क्षपक में ही है. तो वहाँ 9वें और 10वें गुण स्थान में जब 80 का उदय होगा, 80 का सत्व स्थान होगा, तो वहाँ बंध स्थान कौन सा होगा, 9वां गुण स्थान है. तो वहाँ विचार क्या करना बंध स्थान के लिए, बंध स्थान एक का ही एक होगा, 8वें के 7वें भाग से एक का ही बंध होता है और उदय स्थान 30 का ही होगा, क्योंकि सब अपने गुण स्थानों में देखा है 30 का ही उदय है. और 78 में भी वैसा ही होगा, 80 और 78 साथ में लिया तो चलता है. 80 और 78 का सत्व में 9वें और 10वें गुण स्थान में बंध स्थान एक और उदय स्थान 30 का एक. 12वें गुण स्थान में और संयोग केवली में, स्वस्थान संयोग केवली में, वहां पर बंध स्थान कितना होगा, 80 और 78 के सत्व में 0 और सत्व नहीं उदय 30 का ही होगा. समुद्रवादगत संयोग केवली, तो ये 78 और 80 का जो सत्व है वो किनके अपेक्षा है, तीर्थंकर की सत्ता सहित जो जीव है उसकी अपेक्षा से 80 और 78 का सत्व आता है. तो वहाँ 13वें गुण स्थान में समुद्घात के समय बंध तो 0 और उदय कौन कौन सा रहेगा, बराबर 21 27 29 30 और 31. तीर्थंकर है तो एक एक सामान्य केवली से ज्यादा होता है ना, 27 28 नहीं आएगा, 27 29 30 और 31 आएगा. आयोग केवली में 30 का है ना, 28 नहीं है, 31 का भी है, 30 और 31 बराबर 5 आएंगे ना. भाषा पर्याप्ति काल में 31 है तीर्थंकर के और 30 उच्छ्वास पर्याप्ति काल में, 21 का है ना, 21 27 29 30 और 31 5 आएंगे. आयोग केवली में बंध स्थान 0 उदय नहीं, अभी केवल 80 के सत्व में, हाँ 9 ही है, 80 और 78 के सत्व में 9 ही उदय होगा. फिर 79 के सत्व में, 79 और 77 इन दोनों के सत्व में 9वें 10वें गुण स्थान में वो समान ही है, वहां पर बंध 1 उदय 30 और 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में बंध 0 उदय 30 और 13वें गुण स्थान में समुद्घात में अंतर आएगा. समुद्घात केवली में वहाँ सामान्य है इसलिए बंध स्थान 0 और उदय स्थान 20 26 28 29 और 30 ये 5 होंगे. अब 10 के सत्व स्थान में, 10 का सत्व स्थान, उसमें बंध स्थान कितने आएंगे, 0 उदय स्थान 0 हाँ 9 का उदय होगा तीर्थंकर केवली की अपेक्षा है. तो वहाँ 10 का सत्व तीर्थंकर केवली को है और 9 का सत्व सामान्य केवली को है. तो 10 में 9 का उदय और 9 में 8 का उदय, 9 के सत्व में 8 का उदय रहेगा, बाकी सब समान है. मतलब अभी तक एक आधार और दो आधे थे,
अब उदय बंदर स्थान और उदय स्थान पहले आधार बनाएंगे और उसमें सत्व स्थान देखना है। इसको अपन बोर्ड पर देखते हैं। उदय स्थान को आधार बनाना है तो एक बंदर स्थान और एक उदय स्थान लेना और उसमें सत्व स्थान कौन से है वो देखना है। तो जब 30 का बंद होगा, 23 का नहीं 23 का बंद होगा तो उसमें उदय स्थान कौन कौन से हैं, तो 23 का बंद मनुष्य त्रियंच एकेंद्र सब करते हैं 23 का बंद। तो उसमें उदय स्थान जो है वो 24, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सब है उदय स्थान। अब एक एक में देखना है, 23 के बंद स्थान में 21 का उदय होगा तो कौन कौन से सत्व स्थान होंगे। 23 का बंद कर रहे हैं, 24 का उदय स्थान है तब कौन कौन से सत्व स्थान होंगे ये देखना है। तो यहाँ पर 23 के बंद स्थान में 21, 24, 25 और 26 इन सबके सत्व इनके सबके उदय में समान ही सत्व स्थान है, इसलिए इन चारों को एक में लिया। इसे 23 का बंद कर रहा है एक इंद्रिय, अपर्याप्त का बंद करने वाले कौन है, एक इंद्रिय मतलब त्रियंच और मनुष्य है। तो उसमें पाए जाने वाले 23 का बंद और 24 का उदय एक केंद्र में पाया जाएगा, 23 का बंद और 25 का उदय भी एक केंद्र में ही है, 23 का बंद और 26 का उदय यह मनुष्य त्रियंच दोनों में पाया जाएगा क्योंकि 26 का उदय मनुष्य में भी है। तो इस समय सत्व कौन कौन सा हो सकता है, तो सबके 92 और 90 तो ये कॉमन है सब में, 92 और 90 और एक इंद्रियादि के स्वस्थान में 88 और 84 होगा और मनुष्य के भी 26 के उदय स्थान में ये 88 और 84 रहता है सत्व और 82 भी रहेगा। वो पंचेंद्रिय त्रियंच की अपेक्षा 26 के इसमें आएगा या विकलत्रय में। 26 का उदय कहाँ पर है, मिश्र काल में है। उस समय मनुष्य को तो 82 का उदय सत्व स्थान में ही रहेगा लेकिन पंचेंद्र त्रियंच है उसको 23 का बंद हो रहा है, 26 का उदय है तो वहां पर 82 का भी सत्व पाया जा सकता है क्योंकि 82 की सत्ता जिसको हुई है वह मर करके पंचेंद्र त्रियंच में उत्पन्न हुआ तो वह विग्रह गति काल में और अपर्याप्त काल में उसको 82 का सत्व पाया जाता है, इसलिए 26 के उदय में 82 का सत्व आ गया। अब यहाँ हाँ त्रियंच की अपेक्षा से मनुष्य को नहीं होगा और ये उदय भी 24, 25 एक इंद्रिय को ही होता है तो त्रियंच की अपेक्षा से ही है। अब 23 का बंद कर रहा है और उदय 27 का है, ये कौन हो सकता है, ये एक इंद्रिय होगा आतप्युत, आतप या उद्योत्युत एक इंद्रिय में ना 27 का उदय, बाकी विकलत्रय में पंचेंद्रिय में और मनुष्य में 27 का उदय नहीं है तो वहां पर 82 का सत्व होगा क्या, मतलब यहाँ पर कौन कौन से है देखते हैं। 23 का बंद कर रहा है 27 का उदय है तो ये कौन है 27 का उदय वाला, एक इंद्रिय आतप्युत या उद्योत्युत है उसको, तो उसको इसका 82 का सत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तेजो कायक और वायु कायक में आतप का उदय नहीं होता है या उद्योत का उदय नहीं होता है तेजो कायक और वायु कायक में, और 82 का सत्व उसमें है तेजो कायक और वायु कायक में, इसलिए वो 27 में भी 82 का उदय नहीं होगा, 90, 92, 90, 88 और 84 ये चारों सत्व पाए जा सकते हैं। 28 के उदय में भी 28 का उदय कहाँ पर है, उच्छ्वास पर नहीं शरीर पर्याप्ति काल में विकलत्रय और पंचेंद्र और मनुष्य को है 28 का उदय, एक इंद्र को नहीं है, एक इंद्र को 27 तक ही उदय स्थान है ना, तो वहां पर भी 82 का सत्व नहीं होगा क्योंकि जब तक वह उत्पन्न स्थान में 82 का सत्व वाला आया तो भी वहां शरीर पर्याप्ति काल में उसको मनुष्य गति वगैरह का बंद हो सकता है, अपर्याप्त में भी हो सकता है मनुष्य गति का बंद। 28 का है, 28 का, 29 का उच्छ्वास पर्याप्ति काल में है और 30 का भाषा पर्याप्ति काल में है और यहाँ पर 29, 30 और 31 उद्योत सहित के शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति आएगी, मतलब यहाँ दो दो होते हैं ना त्रियंच में 28, 29 शरीर पर्याप्ति काल में, उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 29, 30 भाषा पर्याप्ति काल में 30, 31
होते हैं, तो यहाँ पर वैसी का सत्व नहीं पाया जाएगा इन उदय स्थानों में। क्यों नहीं पाया जाएगा, ये कारण सहित आपको ध्यान में आया होगा, क्योंकि सत्ता इसके सत्ता वाला एक केंद्रीय है लेकिन आत्मभूत है, इसलिए वहां पर तेजो का एक वायु का एक नहीं होते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में आत्म और उसका उद्योत का उदय नहीं होता है। और 28 वगैरह है ये शरीर पर्याप्ति काल में, उच्छ्वास पर्याप्ति काल में और भाषा पर्याप्ति काल में है। तो जब तक वो विकलत्रय में वहाँ शरीर पर्याप्ति काल उच्छ्वास पर्याप्ति काल आता है, तब तक वापिस मनुष्य गति का बंद हो सकता है वहां पर, इसलिए वैसी का सत्व उनको नहीं रहेगा। मनुष्य गति नहीं बांध, मनुष्य गति बांधने का संबंध ही नहीं ना यहाँ पर। ये 23 का बंद स्थान है, बंद स्थान 23 का नहीं, केंद्रीय पर्याप्त सहित बंद कोई भी करता है, मनुष्य भी करता है, पंचेंद्र त्रयंच भी करता है, विकलत्र भी करता है, लेकिन 23 का बंद करते समय 27 का उदय है, तो ये कौन होगा, एक केंद्रीय आतप या उद्योत्युत है, तो उसको बयासी का सत्व नहीं पाया जाएगा। बाकी 92, 90, 88, 84 पाए जा सकते हैं। 28 के उदय में और 29 के उदय में शरीर पर्याप्ति काल है, तो वहां पर तब तक वो मनुष्य गति का बंद कर लेते हैं, इसलिए वैसी का सत्व नहीं रहता है। और 29 और 30 में भी उच्छ्वास पर्याप्ति काल है, तो यहाँ पर भी मनुष्य गति का बंद हो जाता है। विग्रह गति काल और कुछ अपर्याप्त काल तक वहां पर उसको जब तक मनुष्य गति का बंद नहीं हुआ तब तक उसको वैसी का सत्व पाया जाएगा उदय में। इसलिए यहाँ पर सत्व स्थान कौन कौन से आएंगे, चार, यहाँ पांच हुए, यहाँ चार ही आएंगे, 92, 90, 88 और 84। वैसी का नहीं होगा, वैसी का सत्व इन चार उदय स्थानों में पाया जाएगा, 21, 24, 25 और 26। मतलब अभी और स्पष्ट अपने को हो जाता है यहाँ पर, 23 का बंद हो रहा है लेकिन इन उदय स्थानों में वह वैसी का सत्व होगा। अब आगे 25 या 26 का बंद कर रहा है, दोनों का समान है इसलिए एक साथ लिया है, 25 के बंद स्थान में और 26 के बंद स्थान में समान सत्व स्थान होंगे, तो यहाँ तो क्रम से लगा तो भी वो ही आएंगे सब। 25 का बंद हो रहा है एकेंद्रीय पर्याप्त युत या त्रस अपर्याप्त युत, उस समय 21 का उदय है विग्रह गति काल में, और 24, 25 और 26, तो 24, 25 ये एकेंद्रीय की अपेक्षा से है, तो यहाँ पर सत्व स्थान ऊपर के जैसे पांचों होंगे, 92, 90, 88, 84 और 82 भी आएगा, क्योंकि केंद्रीय में स्वस्थान मतलब इस इन कालों में पाया जा सकता है वैसी का सत्व। मनुष्य गति की उद्वेलना हो गई तो उसके बाद वैसी का सत्व वहाँ अनेक पर्याय में, एक केंद्रीय में तो कितने काल तक घूम सकता है ना, अवली के नहीं कितने असंख्यात भाग परिवर्तन, असंख्यात परिवर्तन काल तक एक केंद्र पर्याय में घूम सकता है वह जीव। तो वहां तक वो बीच में उद्वेलना हो गई तो वैसी का सत्व उनको रह सकता है, लेकिन 27 के उदय स्थान में वापस यहाँ पर नहीं रहेगा, इसके समान ही आत्मोद्योत है 27, और 28 शरीर पर्याप्ति काल में है, पंचेंद्र त्रियंच में और विकलत्रय में है, और 30 और 31 ये मतलब मनुष्य की अपेक्षा है, पंचेंद्र त्रियंच की अपेक्षा, तो वहां पर वो बंद कर लेते हैं मनुष्य गति का, इसलिए वो सत्व पाया नहीं जाता है 82 का। तो यहाँ पर भी चार ही होंगे, 92, 90, 88, 84, 82 नहीं। फिर अब 28 का बंद करने वाला जीव, ये 25 सभी सब एक केंद्र और अपर्याप्त युत है इसलिए इन सबका समान आएगा, और 28 का बंद करने वाला कौन है, या तो नर गति युत या देव गति युत। तो 28 के बंद में 21 का उदय स्थान आता है, किस अपेक्षा आता है, हाँ मनुष्य असंयत में, जब विग्रह गति में आता है असंयत, शायिक समय दृष्टि या शौक्ष्म समय दृष्टि भी आ सकता है, तो वहाँ वो 28 तिरंच गति के तिरंच असंयत में या मनुष्य असंयत में 28 का बंद स्थान आता है, और उसमें 21 का उदय बांध सकते हैं ना 28 का, वही बोल रहे मनुष्य असंयत या तिरंच असंयत,
28 के बंध में 21 का उदय वहां पर विग्रह गति में पाया जा सकता है, मनुष्य संयत में, मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाएगा, वहां 28 का बंध नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि को 28 का बंध विग्रह गति काल में अपर्याप्त काल में नहीं होता है, ये ऐसे पक्के नियम याद रखना तो अपने को सब लगता है। तो 28 का बंध स्थान और 21 का उदय स्थान मनुष्य और तिर्यंची के असंयत में है, इतना ध्यान रखो। फिर कितना कितना उसको ये होगा, उदय कौन से, सत्व स्थान कौन से होंगे उसको, 93 का नहीं होगा क्योंकि 28 का बंद कर रहा है, तो 93 का सत्व नहीं होगा और 91 का भी सत्व नहीं होगा, 92 और 90 दो ही सत्व स्थान यहाँ आएंगे, बराबर है। 21 के उदय में 92 और 90, 93 91 क्यों नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर का बंद नहीं कर रहा है तो 93 91 की सत्ता नहीं है। और यहाँ पर 21 का उदय स्थान है, 28 का बंद है तो वह 92 और 90 दो ही होगा। 28 के बंद स्थान में 25 का उदय किनके अपेक्षा होगा, आहारक की अपेक्षा, केवल आहारक की अपेक्षा 28 के बंद में 25 का उदय होगा तो उसके उदय स्थान पाए जाएंगे। 28 के बंद में 26 का उदय वह भी किसको होगा, असंयत लेना, मनुष्य और पंतिरियंच असंयत ही होगा क्योंकि 28 के बंध में 26 का उदय एक अवस्था का वहां पाई जाएगी, एक तो भोग भूमि तिरियंच में असंयत में, या मनुष्य कर्म भूमि हो या भोग भूमि हो उस असंयत काल में 28 का बंध करेगा और 26 का उसको उदय होगा। और 27 का उदय किस अपेक्षा से, अभी बताया था 25 का उदय किनको है, आहारक की अपेक्षा से 27 का, 28 के बंध में 27 का उदय आहारक की अपेक्षा ही, आहारक की अपेक्षा आएगा, शरीर पर्याप्ति काल में 28 होता है, 21 26 28 ऐसा होता है मिश्र काल में, आहारक शरीर वाले के, हाँ शरीर पर्याप्ति काल में 27 बराबर है आपका, आहार शरीर की शरीर पर्याप्ति काल में 27 और 28 जो है वो मनुष्य और उसके असंयत के शरीर पर्याप्ति काल में, ये आहारक की शरीर पर्याप्ति काल और ये मनुष्य और तिरंजे का शरीर पर्याप्ति काल, और ये 29 वापिस दोनों में आएगा, आहारक में भी भाषा पर्याप्ति काल आएगा और इसमें असंयत में उच्छ्वास पर्याप्ति काल आएगा। तो इन सब में उदय स्थान सत्व स्थान कौन कौन से होंगे, तो 28 का बंद कर रहा है तो 93 का सत्व नहीं है, तिरंजे में भी 93 का सत्व और 91 का सत्व नहीं होता है नियम से, तो यहाँ पर 92 और 90 ही दो ही सत्व स्थान पाए जाएंगे। बराबर है ना। अब 28 के उदय बंद में 30 का उदय ये किनको पाया जाएगा, मनुष्य तिरंच असंयत देसंयत या उसमें नहीं, सातवें गुण स्थान में भी पाया जा सकता है ना, अपने सातवें और आठवें के छठे भाग तक 28 के बंध में 30 का उदय पाया जा सकता है, तो यहाँ पर कौन सा सत्व होगा, यही होगा उसमें 28 के बंध में 30 का उदय स्थान है तो वहां पर भी बैनो लिया है ना, क्या केवल 90 लिया है, ये यहाँ पर ये आ सकता है, 91 भी आ सकता है क्योंकि जब वो मनुष्य नरगति में जाने के सम्मुख होता है मिथ्या दृष्टि, उस समय 28 नरगति का बंद करता है और 30 का उदय रहता है उसको, तो इसलिए यहाँ तीन सत्व स्थान आ सकते हैं, 92 91 और 90। मैंने कहा अलग क्यों लिया इसका, इसलिए सोचा एक मिनट, हाँ वो भी हो सकते हैं, बराबर है 92 91 90 और 88 भी होगा क्योंकि यहाँ पर हाँ उत्पन्न स्थान में 84 की सत्व वाला उत्पन्न हुआ और उसने देव चतुष्क नारद चतुष्क का बंद किया तो वहां पर हाँ
उद्वेलना वाला जाएगा तो वहां पर 28 का बंध थोड़ी होगा, और 28 का बंध होगा तो फिर वो 84 का सत्व हो जाएगा, इसलिए का यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है ना। यहाँ पर समय दृष्टि लिए, क्यों लिए समय दृष्टि, क्योंकि 28 का बंध विग्रह गति काल में अपर्याप्त काल में वहां पर ये करते हैं, समय दृष्टि करते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं करते हैं। पर्याप्त होने के बाद मिथ्या दृष्टि ले सकते हैं, पर्याप्ति पूरी होने के बाद ले सकते हैं। और 28 के बंध में 30 के उदय में यहाँ पर दो अपेक्षा से आया, एक तो नर गति में जाने के सन्मुख हुआ तब पहले गुणस्थान में अंतर मुहूर्त काल तक 91 का सत्व उसको हो सकता है 30 के उदय में, और एक तो उद्वेलना करके जब वह आता है 84 का सत्व वाला मनुष्य में या पंचेंद्र त्रियंच में, तो पर्याप्त होने के बाद देव चतुष्क नारद चतुष्क का बंद करता है, तो 28 का बंद कर रहा है, उसको सत्व कितना है 88 का हो गया। 84 का वो बंद 4 का किया तो वापिस वो सत्व आ गया ना उसको, इसलिए 88 के सत्ता वाला हो गया वह। 28 का सत्व वाला वह उत्पन्न हुआ तो 30 के उदय में वहां पर 88 का सत्व नहीं पाया जाएगा। हाँ 28, यहाँ 28 के बंध में ये आधार है ना, यहाँ पर 28 का बंध हो रहा है, कब होगा अपर्याप्त काल में मिथ्या दृष्टि में नहीं होगा, पर्याप्त होने के बाद ही होगा। हाँ 29 में आ सकता है ऐसे मिथ्या दृष्टि भी, हाँ 29 में आ सकता है, शरीर पर्याप्ति के बाद आ सकता है वो, ठीक है। अब यहाँ 28 के बंध में 30 का उदय हो गया, 28 के बंध में 31 का उदय किसको होगा, त्रियंच को ही होगा, पंचेंद्र त्रियंच को ही होगा, तो उसको कौन कौन से सत्व होंगे, 92 और 90, 91 नहीं होगा, और 88 भी हो सकता है। उद्वेलना किया हुआ जीव वहां उत्पन्न हुआ तो आप पर्याप्त होने के बाद देव चतुष्क नारद चतुष्क का बंद करने के बाद भाषा पर्याप्ति काल तक उसको 88 का सत्व रह सकता है वहां पर। अब 29 का बंद, हाँ 88 का सत्व वाला नहीं ले सकते, क्योंकि 28 के बंद में अपने को सत्व दिखाना है ना, इसमें तो पाए गए 25 के 26 के, तो वो सीधा 28 का सत्ता वाला वहां उत्पन्न हुआ तो वह 88 का सत्व रहेगा 25 और 26 के बंध में, लेकिन 28 का बंध करते समय 88 का सत्व वह 88 की सत्ता वाला उत्पन्न हुआ तो उसको नहीं होगा, 84 की सत्ता वाला वह उत्पन्न हुआ और वहां जाने के बाद बंध कर रहा है तो उस समय उस बंध में उस 88 का सत्व पाया गया उसको। अब 29 का बंध, 29 के बंध में कौन कौन से आते प्रकार, त्रस पर्याप्त मतलब द्विंद्र तिंद्र चतुरिंद्र पंचेंद्र मनुष्य पर्याप्त और देव तीर्थयुक्त, देव तीर्थयुक्त का करेंगे तो अलग आएगा उसमें, हाँ उसमें भी आएगा वह बराबर आएगा उसमें, इसमें ही आएगा मतलब 21 के उदय में भी आएगा, 29 के बंध स्थान में 21 का उदय स्थान, ये 29 के सब प्रकारों में आएगा। 29 के सब प्रकार मतलब 6 प्रकार बताए, सभी में 21 का उदय आएगा वहां पर। सभी बंध स्थानों में 21 का उदय मतलब यहाँ पर 4 और 3 लिए, हाँ तो इसके वो तीर्थंकर के सत्ता वाला भी हो सकता है ना, 29 देव तीर्थ तो बंद करता है तो 93 की सत्ता वाला भी हो सकता है, 92 की सत्ता वाला भी होगा, अन्य जो प्रकार है उसका बंद करने वाला, 91 का भी सत्व वाला हो सकता है, 90 की भी सत्ता वाला हो सकता है, और 88 भी वो आ सकता है ना, 29 का द्विंद्रिय पर्याप्त तो त्रिंद्रिय पर्याप्त तो बंद कर रहा है तो वह उत्पन्न स्थान में 88 और 84 का भी सत्व हो सकता है उसको।
हाँ बैसी का भी हो सकता है, क्योंकि उत्पन्न स्थान में वहाँ पहले दो तीन तीन प्रकार में वो आ सकता है, वहाँ बैसी का तीन प्रकार में ही बैसी का सत्व आएगा। इसके 29 के जो पहले तीन प्रकार है उसमें ये प्रकार आएंगे, 88, 84, 82 वगैरह। आगे देवतीर्थ में केवल ये चार आएंगे, देवतीर्थ में 21 के उदय में ये चार आएंगे, नहीं 90 नहीं 93, 91 आएगा, दो ही सत्व आएंगे। नहीं 29 का देवतीर्थ उत्तर जब बंद करेगा और उस समय 21 का उदय है तो 93, 91 ही सत्व होगा। हाँ देवतीर्थ का बंद है ना, इसलिए तीर्थंकर सत्ता सहित ही सत्व स्थान होंगे। लेकिन यहाँ अपने को केवल देखना है 29 का बंद हो रहा है और 21 का उदय है, वो सभी प्रकार के एक साथ लिए उसमें। तो कितने सत्व स्थान हुए, 7 सत्व स्थान हुए। अब 29 का बंद कर रहा है, उदय 25 और 26 का है, तो ये कौन सा आएगा? एक इंद्रिय का शरीर पर्याप्ति काल आएगा और 26 ये मिश्र काल आएगा और एक इंद्रिय का उसका काल आएगा। 29 का बंद है, 29 का बंद है, एक इंद्रिय भी करता है ना, द्विंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, पंचम चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंद और मनुष्य पर्याप्त का बंद, द्विंद्रिय अधिक जीव भी करते हैं, तो उनका जो इसका एक इंद्रिय भी करते हैं तो एक इंद्रिय का शरीर पर्याप्ति काल आएगा उसका 24। हाँ नीचे ले मैंने कहा 24 क्यों नहीं आया, वो देख रही थी मैं, 24 का उदय यहाँ आया है, 29 के उदय बंद में 24 का भी उदय आएगा, वो एक इंद्रिय की अपेक्षा सही है। तो एक इंद्रिय में जो सत्व पाया जाता है वो 24 का देखते पहले कौन कौन सा, 93, 91 नहीं होगा, 92, 90, 88 84 बेसिकली है क्या नहीं आएगा, यहाँ ऊपर आएगा शायद, 29 का बंद कर रहा है तो बेसिक का भी आ सकता है ना सत्व इसमें। हाँ 24 के उदय में बेसिक का भी सत्व आ सकता है, क्योंकि तिरेंचे है ना वहां पर, तिरेंचे का बंद है तो उस तिरेंचे के बंद में वैसी का सत्व आ सकता है, तो ये 5 होंगे यहाँ पर। और 25 और 26, 29 का बंद कर और 25 और 26 का उदय, तो ये आहारक की अपेक्षा से 25 आएगा, इसलिए यहाँ पर और ये देव, एक मिनट, देव तीर्थ का बंद कर रहा है उस समय उसको 25 ये उदय आहारक शरीर में होगा, तो उस अपेक्षा से वहां सत्व 93, 91 भी होगा उसको। लेकिन हाँ वो देव और नारकियों में भी है कि वहां पर बराबर है, देव और नारकी 29 का मनुष्य पर्याप्त तो बंद करते तो वो भी है, लेकिन उनकी अपेक्षा से तो 92 और 90 ही आएगा, क्योंकि वो 29 का बंद करेंगे तो मनुष्य पर्याप्त करेंगे, लेकिन देव तीर्थ का 29 का बंद होते समय आहारक शरीर वाले को 25 का उदय होगा, तो वह 93 और 91 का भी सत्व होगा। और 26 का विग्रह गति काल है, इसमें मिश्र काल में मनुष्य को असंयत में वहां पर भी 93 और 91 का सत्व पाया जाएगा, इसलिए 25 और 26 अलग लिया है। तो इसमें 93, 92, 91, 90 ये 90 और 92 देव तीर्थ के नहीं आएंगे, अन्य प्रकार के अपेक्षा आएंगे। मनुष्य पर्याप्त पंचेंद्र पर्याप्त का बंद करते समय वहां पर 92 और 90 का सत्व आएगा, वो देवनारकियों की अपेक्षा से भी आएगा। त्रन्न वाला और ज्ञान वाला अलग भी होगा ना, आहारक द्वि जिसको बंद नहीं हुआ है वो 91 वाला है,
और आहारक द्विका बंध जिसने किया उसको तरण नौ का सत्व है। अब उसमें क्या है, वो अभी निर्णय नहीं हो रहा है कि आहारक द्विक की उद्वेलना असंयत में भी पूरी होती है क्या। अच्छा। वो मिथ्या दृष्टि में ही करता है कि चौथे में भी करता है, क्योंकि वहां पर अपन ने देखा था कल मनुष्य के विग्रह गति का, यदि वहां देव में तो नियम से असंयत ही है और सागर की आयु है, तो त्रैनो का सत्ता वाला समझो गया देवगति में, तो पूरी होनी चाहिए ये उद्वेलना, पहले के असंख्यात भाग काल में पूरी होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं हुई और वहां पर भी सत्व पाया गया मनुष्य के असंयत में, मतलब अपर्याप्त अवस्था में भी। वो अलग अलग जीव लेंगे ना, नाना जीव, कोई आरक द्वि का बंध किया हुआ जीव है उसको त्रणों का सत्व रहेगा, जिसने आरक का बंध नहीं किया उसको एक नौ का सत्व रहेगा। मैंने पहले एक लाइन बार बार बोली है कि एक जीव की अपेक्षा क्रम से आ सकता है या अनेक जीव की अपेक्षा युगपत हो सकते, लेकिन इस बंध में और इस उदय स्थान में इतने सत्व स्थान पाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीव की अपेक्षा पाए जा सकते हैं और एक जीव का कभी कभी क्रम से पाया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मतलब विचार है कि त्रैनो वाला इक्यानो में नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि त्रैनो का एक बार उसको सत्व हो गया तो वह मिथ्यात्व में नहीं आएगा, त्रैनो की सत्ता वाला जो है वो मिथ्यात्व में आएगा नहीं, हाँ मिथ्यात्व में आए नहीं आएगा, तो उद्वेलना कैसी वहां पूरी होगी। और यदि वहां पर देव में जाने पर और नरक में जाने पर उद्वेलना पूरी हो जाती तो यहाँ पर मनुष्य के अपर्याप्त काल में त्रैनो का सत्व नहीं पाया जाना चाहिए। रहता है तो यहाँ 25 और 26 में चार ही दीप बताए ना, उदय है 88 पण सांगितले का, 90 और वो भी आए क्या 29 के बंद में, 88-84 भी आए ना, वो ही मैंने मेरा कहना था। एकेंद्र की अपेक्षा से एकेंद्र में भी 25 और 26 का उदय है तो वहाँ 29 का बंद कर रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा से 88-84 और 82 भी सत्व पाया जाएगा, 80 और 82 अलग अलग प्रकार की अपेक्षा। वो देव तीर्थ की अपेक्षा 93 और 91 का सत्व होगा और अन्य इसमें पर्याय में 92, 90, 88, 84, 82 भी एक केंद्र में सत्व हो सकता है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 हो गए सत्व स्थान। अब यहाँ पर 29 का बंद कर रहा है और उदय है 27, 28, 29 और 30। 27 का उदय आर शरीर की अपेक्षा आएगा और एक केंद्र की भी आतप्युत उद्योत्युत की अपेक्षा आएगा। वो बंद लेंगे पहले 3-4 प्रकार का लेंगे और देव तीर्थ तो बंद करेगा तब आहारक भी आएगा वहां पर 27 केस में। 29 का, हाँ देवनारकी का भी पंचेंद्र पर्याप्त उद्योत्युत 29 का बंद करेंगे तो वहां पर भी वह 27 का उदय आ सकता है बराबर, और 29 का बंद करते समय 28 का भी उदय सभी में आएगा वह। देवनारकी भी आएंगे, तिरियंचे भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, सब आएंगे। 29 का बंद करते समय 29 का उदय भी सभी में आएगा और 30 का उदय भी सभी में आएगा। तो यहाँ पर इसलिए 29 के बंद स्थान में उदय सत्व स्थान कौन कौन से होंगे, यहाँ पर भी 93 देव तीर्थ तो में 93, 92, 91, 88, 82 भी आएगा ना, 27 की सत्ता वाला है इसलिए 82 नहीं आएगा, ये आतप सहित है इसलिए।
नहीं आएगा, तो कितने होंगे, ये छह सत्व स्थान आएंगे। और अलग प्रकार लेंगे तो एक साथ इतने भी नहीं आएंगे, एक एक प्रकार का देखेंगे तो। हाँ, अब 29 के बंद स्थान में 31 का उदय होगा, तो एक किसको होगा, नियम से तिरंच को ही होगा। हाँ, तिरंच होगा, तो यहाँ तीर्थंकर का सत्व नहीं आएगा। तो यहाँ केवल 92, 90, 88 और 84 विकलत्रय की अपेक्षा, और उसके हाँ तो स्वस्थान में और पंचेंद्रिय की अपेक्षा उत्पन्न स्थान में आ सकता है। अब 30 के बंद स्थान में, 30 में भी 29 के जैसे प्रकार है, देव तीर्थ की जगह मनुष्य तीर्थ और देव आहार कृत लेना है। हाँ, क्या हुआ, 82 में बैठेगा। हाँ बराबर, अब यहाँ वहाँ पर भी 82 नहीं आए ना, यहाँ पर भी नहीं आए 82, यहाँ 24 के उदय में और 25-26 के उदय तक आएगा 82। अब 29-30 का बंद स्थान है और उदय 21 और 25, तो ये कौन जीव आएगा 30 का बंद स्थान। यहाँ पर विकलत्रय जीव भी देव विकलत्रय जीव भी देव देव कर नारद चतुष्क की उद्वेल में करता है, और विकलत्रय जीव में 31 का उदय है उद्योत सहित के द्विंद्र तिंद्र चतुरंत्र में, तो वहां पर भी 88-84 सत्व हो जाता है, और यहाँ पर भी है सामान्य अतप रहित तिरंच में भी पाया जाएगा। अब यहाँ 30 के उदय में देख, 30 के बंद स्थान में 21 का उदय, तो यह देवनारकियों को भी होगा, मनुष्य तिरंचों को भी होगा अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि में, और 25 के उदय में भी 30 का बंद, तो 25 का उदय किसको होगा, वहाँ देवनारकियों को भी है और एक केंद्र को भी है, तो उनके अपेक्षा, तो 30 का बंद मनुष्य तीर्थ तो करेगा, उसमें भी 21 का सत्व उदय रहेगा, 30 में मनुष्य तीर्थ होता है ना, तो देव या नारकीय संयत वह भी 30 के बंद स्थान में 25 का उदय, 21 और 25 का उदय पाया जाएगा। 30 का बंद आहारक नहीं करता है, वह तो 28 या 29 का बंद होगा छठे गुण स्थान में। हाँ, देव तो कर ये, नहीं नहीं, 30 का बंद उसमें 21 और 25 का उदय कहाँ पाया जाएगा ये देख रहे थे अपन, तो यहाँ पर पहले तीन प्रकार है वो तो देव नारकियों में भी आएगा और मनुष्य में 25 का उदय नहीं है, इसमें एक केंद्र में आएगा। और उसमें जो मनुष्य तीर्थ तो जो बंद है उसकी अपेक्षा से देव और नारकी भी आएंगे 21 में और 25 में दोनों में, इसलिए 30 के इसमें बंद स्थान में 21 और 25 के उदय में 93 और 91 का भी सत्व रहेगा, क्योंकि तीर्थंकर का भी बंद लिया है ना वहां पर, वहां पर देव आहार तो बंद होगा, तो वहां पर केवल 30 का ही उदय होगा, 21-25 ये उदय स्थान नहीं होंगे आहार का बंद होते समय, इसलिए छठे का जो है उसमें 30 का ही उदय आएगा केवल छठे प्रकार में, इसलिए यहाँ पर 93 और 91 का जो सत्व है वह तीर्थंकर सहित की अपेक्षा आएगा, 92, 90 और 30 के जो पहले तीन प्रकार है उसकी अपेक्षा से 88-84 और 82 भी आएगा। तो कितने आएंगे यहाँ पर, 7 होंगे प्रकार के अपेक्षा से लगेगा, 7 छठे प्रकार के, पांचवे प्रकार के साथ 93 और 91 का सत्य होगा, अन्य पहले जो तीन प्रकार है उसके साथ में, चार प्रकार है उसके साथ में केवल 92, 90, 88, 84, 82 का सत्य होगा, और देवाहार की तो यहाँ है ही नहीं। पांचवा प्रकार, पांच ही प्रकार आएंगे इसमें,
अब 30 का बंद स्थान और उदय स्थान 27, 28 और 29। 30 का बंद कर रहा है और 27 का उदय है, ऐसा कौन जीव होगा? देवनारकी होगा। एक केंद्रीय भी हो सकता है आतप्युत उद्योतुत। 30 का बंद कर रहा है और 27 का उदय है, लेकिन वहां पर बैसी का सत्व नहीं पाया जाएगा। 30 का बंद कर रहा है, 28 का उदय है, तो ये कौन होगा? मनुष्य तिर्यंच हो सकता है। 30 का बंद है और 29 का उदय आ रहा है, तो यहाँ पर 30 का बंद करते से मतलब मिथ्या दृष्टि आएंगे 28 और 29 वगैरह। तो ये यहाँ पर कौन कौन से पाए जाएंगे? ये तीर्थ युत नहीं है इसमें बंद, क्योंकि तीर्थंकर का बंद करने वाला 30 का वो उसको नहीं हो सकता है ना। हाँ नहीं, इसके अपेक्षा से देवों के और नारकियों के अपेक्षा से तीर्थंकर की सत्ता वाला भी 30 का बंद करेगा, तो वहां पर 27, 28, 29 ये उदय स्थान होंगे, इसलिए यहाँ पर 93 और 91 भी सत्व आएगा। 93, 92, 91, 90, 88 और 84 वैसे नहीं आएगा यहाँ पर। 6 सत्व स्थान आएंगे यहाँ पर। बैसिका क्यों नहीं है? क्योंकि ये 27, 28, 29 के उदय तक वहां पर वो बैसिक की सत्ता वाला नहीं रहेगा। नहीं, सभी में एक ही आएगा ना। आप 30 का बंद और 27 का उदय लेंगे तो ये 6 सत्व स्थान आएंगे। 30 का बंद 28 का उदय लेंगे तो वहां पर ये 6 सत्व स्थान आएंगे। 30 का बंद और 29 का उदय ऐसा ही लेना है यहाँ पर, तो वहां पर भी ये 6 बंद सत्व स्थान समान ही आएंगे तीनों में। अब 30 का बंद कर रहा है, 24 और 26 का उदय है, तो ये कौन होगा? एक केंद्र जी होगा। 24 का उदय जिसको है, और ये विकृतरण मनुष्य भी हो सकते, तो यहाँ इसमें बयासी का भी सत्व आएगा, इसलिए इसको अलग लिया। लेकिन 93 और 91 का सत्व नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 92, 90, 88, 84, 82 ये 5 सत्व स्थान होंगे। ये समझ में है ना? 30 का बंद मतलब पहले 3 प्रकार का करेंगे तो वहां पर 24 के का उदय एक केंद्र में पाया जाता है, और 26 का भी पाया जाता है एक केंद्र में उदय, और 30 का बंद वहां पाया जाता है। और 30 का बंद कर रहे हैं देव तीर्थ, लेकिन वहां पर ये नहीं होगा, 24 और 26 नहीं होगा देवों के, वहां पर 25 और 27 होता है। 24 और 26 नहीं होगा, 27, इसलिए 27, 28, 29 में तो तीर्थंकर युत लिया, लेकिन यहाँ 30 का बंद जब मनुष्य तीर्थ युत करेगा तो वह 24 और 26 का उदय नहीं रहेगा देव और नारकियों में, नियम से 25, 27 रहेगा ना वह उदय, इसलिए तीर्थंकर की सत्ता से युक्त या तीर्थंकर बंद से युक्त में 24 और 26 का उदय नहीं होगा। ध्यान में है? 30 के बंद में जो 5वां प्रकार है कौन सा? देव तीर्थ मनुष्य तीर्थ युत, उसका बंद करते समय 24 और 26 का सत्व नहीं पाया जाएगा, क्योंकि 24 और 26 देवनारकियों में नहीं है। ये मनुष्य तीर्थ तो बंद कहाँ पर होगा? नारक असंयत में या देव असंयत में, लेकिन वहां पर 24 और 26 का उदय नहीं है देवनारकियों में, इसलिए वो 30 के पहले 4 प्रकार लेना, इसमें 24 और 26 का उदय होगा तो वहां पर तीर्थंकर का सत्व नहीं पाया जाएगा। अब 30 के बंद में 30 और 31 का उदय, ये पंचेंद्र विकलत्रय और पंचेंद्र त्रियंचों में पाया जाएगा। और लेकिन 30 का भाषा प्राप्ति काल में आ सकते हैं वहां पर। 30 का बंद स्थान मतलब पहले 4 प्रकार जो है उसमें मनुष्य भी आ सकता है 30 के उदय में, और 31 के उदय में नियम से त्रियंच आएगा। तो यहाँ उसके अपेक्षा से मनुष्य 30 का बंद कर रहा है, इसका अर्थ वो तीर्थक की सत्ता युक्त नहीं है, तो 92, 90, 88 और 84।
बयासी कैसे आ सकता है? बयासी की सत्ता वाला एक इंद्रिय होता है ना, और इसके बयासी का सत्व नहीं होता है। ये 30 का बंद कर, 30 का उदय और 31 का उदय विकलित रहा, और उसमें ही होता है ना, पंचेंद्रिय में ही होता है, इसलिए चार ही सत्व स्थान होंगे। ना 31 की अपेक्षा भी है ना, 30 का बंध पहले चार प्रकार कर रहे हैं और 31 विकलत्र में है, उद्योत्युत है, तो उसको भी 28 और 84 सत्व पाया जा सकता है, क्योंकि वह भी देवदेव का उसकी उद्वेलना करता है। और 31 का बंध कर रहे हैं, 31 का बंध देव तीर्थ आहारक्युत ही है, तो वह उदय से नियम से एक ही है 30 का, तो वह सत्व स्थान कौन से होंगे? एक ही होगा, क्योंकि दोनों का बंद कर रहा है ना, तो दोनों की सत्ता ही होगा, और एक का बंद कर रहा है और 30 का उदय है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, तो वहां पर एक उदय स्थान, तो सत्व यहाँ पर एक का बंद और 30 के उदय में 8 हो सकते हैं ना, उपशम श्रेणी के 4 और शपक श्रेणी के 4, 93, 92, 91, 90, एक के उदय स्थान में, एक के बंद स्थान में 30 के उदय में ये भी है 80, 79, 78 और 77। इस बंध गे एके 20 9 10 आदिम चौके तेईस के बंद स्थान में और 21 अधिक 9 उदय स्थानों में 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 तक सब उदय स्थानों में आदिम चौके पहले 4 सत्व स्थान, पहले 4 मतलब नहीं, उसमें से पहले 4 लेना 21, 24, 25 और 26, ये जो 9 स्थान है उसमें से पहले 4 उदय स्थानों में 92, 90, 88, 88, 84, 82, 87, 88, 92, 90, 88, 84 और 82 सत्व स्थान होंगे। मतलब 23 के बंद में 9 उदय स्थान है, तो उसमें से पहले 4 उदय स्थानों में ये 5 प्रकार का सत्व पाया जाएगा, 90, 92, 90 और 88, 84, 82। अब आगे बताते हैं, परिम पंचुदये ते चेवंसा विवज्ज बासीदिं एवं पण 26, 28, 21 उदय। उसके ऊपर के जो 5 उदय, 9 उदय स्थान है ना, 23 के बंद में कुल 9 उदय स्थान है, पहले 4 उदय स्थानों में 5 सत्व स्थान बताए, ऊपर के जो 5 उदय स्थान है उसमें वे ही सत्व स्थान है, केवल उसमें से 82 को हटाना, 82 को छोड़कर वे ही सत्व स्थान है, मतलब 4 सत्व स्थान है। एवं पण 26, 28, 21 उदय, इसी प्रकार 25 और 26 के बंद स्थान में उसी प्रकार है, केवल उसमें क्या फर्क होगा, कुछ नहीं फर्क होगा, वहां पर भी पहले 25 और 26 के बंद स्थान में भी 9 उदय स्थान आएंगे, उसमें से पहले 4 उदय स्थानों में वे 5 सत्व स्थान आएंगे, 92, 90, 88, 84, 82 और आगे के 5 उदय स्थानों में वे ही आएंगे, कौन से 4 आएंगे, 82 को छोड़कर 5 में से 82 को छोड़ना, तो 4 सत्व स्थान पाए जाएंगे, 25 और 26 में 23 के समान ही है। और 28 से 21 उदय, 28 के बंद स्थान में और 21 के उदय में, अब आगे गाथा में बता रहे हैं, अणौदिनौदिसत्तम एवं पणवीसयादि पंचुदय पणसगवीसेणौदि
विगुवणे अथिनाहारे। 28 के बंद में 21 के उदय में 92 और 90 का सत्व है। एवं पणवीस आदि पंचोदय, इसी प्रकार 25, 26, 27, 28, 29 इन पांच उदय स्थानों में भी वैसा है। उसमें किंतु उसमें क्या करना है, पणसदवीस है 25 और 27 के उदय स्थान में नवदी विगुवणे नथी आहनाहारे, ऐसा बराबर है। यहाँ पर वो विशेष है ना, वो बात भूल गई मैं, कि 28 के बंद स्थान में 25 और 27 का जो उदय है उसमें 90 का सत्व स्थान कैसे आएगा, क्योंकि आहारक है तो वहां पर 92 का ही सत्व चाहिए, 90 का सत्व कैसे आएगा। तो यहाँ पर विक्रिया रुद्धि की अपेक्षा लिया है, विक्रिया रुद्धि में भी वहां वो जो वैक्रिय शरीर निकलेगा औदारिक से, तो उसमें भी 25 और 27 का उदय होगा। और बंद कौन सा कर रहा है, 28 देवगति तो बंद कर रहा है, समय दृष्टि है। तो इसलिए वहां पर उसकी अपेक्षा से 25 और 27 के उदय में 90 का सत्व बताया। आहारक शरीर की अपेक्षा से 25 और 27 का उदय होगा तो 90 का सत्व नहीं पाया जाएगा ना। आहारक को नियम से 92 या 93 का सत्व पाया जाता है, 90 का सत्व उसको 91 और 90 का सत्व नहीं पाया जाता है। हाँ, तो आचार्य ने यह बताया ना, विगुवने नत्या आहारे अति न आहारे, आहारे न आरक आयोग में वहां पर नहीं लेना, 25 और 27 का उदय उसमें 90 के सत्व में नहीं लेना। मतलब आहारक सहित 25 और 27 का सत्व उदय होगा तो वहां पर 90 का सत्व नहीं आएगा, 92 का ही आएगा वहां पर, या 93 का आ सकता है। तो यहाँ पर अपने लगाए थे ना 25 और कहाँ पर, हाँ 25 और 27 आहारक की अपेक्षा से भी ऐसा लगाया था, लेकिन उसमें होगा लेकिन वो 92 का सत्व होगा, 90 का सत्व नहीं पाया जाएगा। तेन नबी की तीसु दये मानव दि चौक में तीसु दये नवरण इगे नव दि पदम नवीस बंधु दये। इसके बंद के साथ में ही नभ तीस मतलब 30 और 31 मतलब 31, 30 और 31 उदय लेना, उसमें 92 अधिक चतुष्क मतलब 92, 91, 90 और 88 ये चार सत्व स्थान होंगे। और 31 उदय नवरी न इगी नवदी पदम, उसमें विशेषता क्या है, 31 के उदय में 91 का सत्व स्थान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 28 का बंद कर रहा है तो 91 का सत्व नहीं पाया जाएगा। 9-20 21 बंधु दय, अब वहां पर आगे 29 का बंद स्थान और उदय स्थान 21 का, 29 के बंद स्थान में 21 के उदय स्थान में कौन से सत्व स्थान है वो बता रहे आगे। नवदि सत्त सत्तम एवं पण छक्कवि सठानुदय चौवीसे बाणवदि नवदि चौकं च सत्त पदम। 9 अधिक 7 सत्व स्थान होंगे, किसमें 29 का बंद और 21 का उदय, अभी लगाया था ना सब देव तीर्थ तभी उसमें है, इसलिए 21 के उदय में 93 और 91 का भी सत्व रहेगा। तो 93, 92, 90, 91, 90 और 88, 84 भी सत्व होगा और 82 भी होगा। इसी प्रकार एवं पण छक्क 20 ठाण उदय, इसी प्रकार 29 के बंद में 25 का उदय, 26 के उदय में भी इसी प्रकार लगाना। 24 से 92 उदय, 24 के उदय स्थान में 92 और 90 चौकम 90 अधिक 4 ये सत्व स्थान पाए जाएंगे, 90, 88, 84 और 82 24 के उदय में। अब आगे 27 के उदय में बताते हैं। कुदये तेन उदि चक्कमेव मिगिति से तिगि नवदि नहिति से इगि पणसग अट्ट नवयवी सुदय। और उदय 27 का सगवीस चौक उदय 27, 28, 29 और 30 चारों के उदय स्थान में 93 आदि 6 सत्व स्थान होंगे,
त्रियानवे बयानवे नब्बे इक्यानवे नब्बे अट्ठासी चौरासी अलग अलग प्रकार के अपेक्षा वह जानना एवं इकतीस से इसी प्रकार इकतीस के उदय में भी होगा लेकिन केवल विशेषता क्या होगी वहां पर त्रियानवे और इक्यानवे का सत्व नहीं आएगा क्योंकि 21 का उदय स्थान तिरंज में ही पाया जाता है और वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं रहता है इसलिए 29 के बंधन में 31 का जब उदय होगा तो वहां 93 और 91 का सत्व नहीं पाया जाएगा। अब 29 के बंधन स्थान में समाप्त हो गए। अब 30 के उदय बंधन स्थान में बताते हैं। 30 से 29 उदय 30 का बंध हो रहा है और 21, 25, 27, 28, 29 और 29 के उदय स्थान में कितने सत्व है वो बताते हैं आगे। उदय छक सत्तम इगिपण विशेषो अति बासी तेन छ चौवीस उदय बाण उदय नौ दि चौ सत्तम स्थान और 21, 25, 27, 28, 29 का उदय स्थान उसमें सत्व 93 से लेकर के 6 है 93 से लेकर के 84 तक 6 सत्व स्थान होंगे और इगिपण विशेषु अतिबासी दे उसमें विशेष क्या है 21 के उदय स्थान में और 25 के उदय स्थान में केंद्र भी है ना वहां पर तो वहां बैसी का भी सत्व पाया जाएगा। तेन छ चौबीस उदय उसके साथ मतलब 30 के बंद के साथ 26 और 24 के उदय में उसमें ऊपर छोड़ दिया था 23 26 और 24 उसमें बाण उदय नौ दि चौसतम उसमें वहां पर यह जीव तीर्थंकर का बंद करने वाला नहीं है इसलिए यहाँ पर 93 और 91 का सत्व नहीं पाया जाएगा तो 26 और 24 के उदय में केवल 92 और 9 दि चौसतम 90 88 84 82 का सत्व पाया जाएगा। अब आगे 767 एवं खिगीति से नहीं बासी दे एकतीस बंधेन तिसुदये ते नौदि सत्पदम एकमेव हवे खिगीति से नहीं बासी दे इसी प्रकार 30 के और 31 के उदय स्थान में बैसी का सत्व नहीं पाया जाएगा। अब 31 बंदे ना 31 के बंद के साथ उदय एक ही है 30 उदय 30 के उदय में सत्व केवल 93 का है एकमेव पदम हवे एक ही 93 का सत्व स्थान है क्योंकि 31 के बंद के साथ उदय अलग दूसरा है ही नहीं और 31 का बंद कर रहा है मतलब देव और आहारक दोनों का बंद कर रहा है तीर्थंकर और आहारक दोनों का बंद कर रहा है तो वहां पर नियम से सत्व 93 का ही पाया जाता है। हमेशा यह 31 का बंद 30 का उदय और 93 का सत्व वहां एक एक ही है तीनों भी। अब आगे 768 नंबर का था ठाणे न दू तीसठाणोदय निरुद्धम में पड़म चौ सीधि चौ सत्ठाणा नाम ठाणे न दो एक के बंद स्थान से मतलब एक का बंद स्थान उसके साथ में 30 का ही उदय स्थान है एक ही बंद स्थान और उदय स्थान भी 31 का ही है उसमें सत्व पड़म चौ सीधि चौ पहले चार और अस्सी अधिक चार 93, 92, 91, 90 और 80, 79, 78 और 77 ये चार ही सत्व स्थान पाए जाते हैं नाम कर्म के। अब यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अब आधार बदलना है। हाँ अब बंद स्थान और अपन ने मत देखो यहाँ कोष्टक देखो सब सत्व की अपेक्षा से लगाएंगे तो थोड़ी देर लगेगी। उदय स्थान समझ में आना महत्व है कितना हुआ उससे अपने को समझ में आए कि नहीं। बंद स्थान और सत्व स्थान को आधार बनाएंगे और उदय स्थान को आधेय बनाएंगे उसकी अपेक्षा से। अब यहाँ पर अपन दो को आधार बना के एक को आधेय बना रहे बंद स्थान और सत्व स्थान को आधार और उदय स्थान को आधेय बनाना है। तो अभी यहाँ पर बंद स्थान 23, 25, 26 वही है आठ बंद स्थान
उसमें कौन कौन से सत्व स्थान पाए जाते हैं उसके अपेक्षा से उदय स्थान देखेंगे। वह स्वामी भी लिखे हुए हैं, उसका कौन स्वामी है। ये तो जैसे 23, 25, 26 इन तीन बंद स्थानों में 93 आदि का सत्व कभी भी नहीं पाया जाए। 28 के बंद स्थान में भी 93 का सत्व नहीं होगा, तो इसलिए 93 नहीं आएगा यहाँ पर। 23 के बंद स्थान में 92 का सत्व होगा, तो वहाँ पर उदय स्थान कौन कौन से पाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर के सब जीव है, इसमें स्वामी कौन है, मनुष्य व सर्वतिरेंच है, तो उनके सब उदय स्थान आएंगे वहाँ पर। 21, 24 तक सब होंगे। 31 नवोदय ए 23 का बंद करने वाले सप्तरिंच एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र तक हर मनुष्य भी है, इसलिए सब उदय स्थान उनके आएंगे उसमें। और 23 के बंद स्थान में 82 का सत्व, तो ये केवल त्रिंचों में पाया जाएगा। एक इंद्र पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, विकलेंद्र में अपर्याप्त और पंचेंद्र में त्रिंच, ये भी अपर्याप्त आएंगे। तो यहाँ पर उदय स्थान कौन कौन से पाए जाएंगे, एक इंद्र के तो सब पाए जाएंगे आतप रहित। 21, 24, 25, 27, 26 और 26, 27 में आएगा। तो अपर्याप्त पंचेंद्र का 21 और 24, 26 आ गया अपर्याप्त। हाँ, तो आगे के बंदस्था नहीं होंगे, उदयस्था नहीं होंगे ना इसमें। 82 का सत्व है ना। हाँ, 82 के सत्व में त्रिंच भी आते हैं और एक इंद्र के सब प्राण होंगे, लेकिन त्रिंच विकलत्र और पंचेंद्र के केवल शरीर विग्रह गति काल और मिश्र काल आएगा। तो चार ही पाए जाएंगे ना, बराबर है क्या आप देख रहे हैं इसमें। हमको आप ऐसा कहेंगे तो फिर विश्वास आता है, क्योंकि हम भी दिमाग लगातार ही कर रहे हैं, याद कुछ नहीं है। तो 25 और 26 के बंद स्थान में 92 और 90 दो सत्व स्थान लेंगे, तो इसके स्वामी कौन है, देव भी है यहाँ पर। 88, 84 के सत्व में देव नहीं आते हैं, इसलिए अलग दिया उसको। देव सर्वत्रिंच और मनुष्य ये 92 और 90 के सत्व में आएंगे। तो इनमें कौन सा उदय होगा देव के लेंगे सभी, 21, 28 और ये भी होंगे ना, एक इंद्र भी होंगे, 24 भी आएगा, 24 भी आएगा, 25 भी आएगा, 26, 27 की अपेक्षा, 27 देव की अपेक्षा, 28, 29, 28, 29, 30 मनुष्य, अच्छा मनुष्य तीस तो सभी की अपेक्षा है ना, मनुष्य की पंचेंद्र की अपेक्षा 31 भी आएगा, त्रिंच है ना यहाँ पर 25 और 26 का बंद करने वाले, और 92 और 90 की सत्ता सभी में पाई जाती है, एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक, इसलिए सभी उदय स्थान आए वहाँ पर, पहला और अंतिम दो छोड़ करके। 25 और 26 के बंद स्थान में 88 और 84 का सत्व किन को पाया जाएगा, यह देव और नारकियों को नहीं, एक केंद्रीय नारकियों को तो है ही नहीं, देवों में नहीं लेना, एक केंद्रीय विकेंद्रीय पंचेंद्रीय के अपर्याप्त में और मनुष्य के अपर्याप्त में ही पाया जाएगा। तो उनके सत्व स्थान एक केंद्रीय में 24, 21, 24, 25, 26 तो आएंगे ही, और ये भी आ सकता है, आपका तो भी आ सकता है, और 88 हाँ विकलत्र जीव है ना यहाँ पर, 88 और 84 तो विकलत्र की अपेक्षा से सभी आएंगे आगे की ओर उदय से। विकलत्र जीव भी देवदेव और नारद चतुर्थ की उद्वेलना करता है, तो उनके स्वस्थान में आया है ये पाया जा सकता है।
तो 28, 29, 30 और 31 भी आएंगे, तो 9 सब आएंगे। त्रिंच में ही होगा, एकेंद्र और इसमें होगा, और विकलत्र पंचेंद्र के अपरप्त में होगा, मनुष्य में पाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उदय स्थान एकेंद्र के 21, 24, 25 और 26 तक आएंगे, आतप उद्योत्यु तो नहीं आएगा, और विकलत्र की अपेक्षा भी 21 और 26 ही आएंगे, आगे के नहीं होंगे इसमें ना, ये इसमें तो 4 ही होंगे उदय स्थान। अब 28 के बंद स्थान में 25-26 के सत्व स्थान समाप्त हो गए, 28 के बंद स्थान में 92 का उदय किनको होगा, पंचेंद्र त्रियंच मनुष्य और आहार क्रुद्धिधारी इनमें होगा, 28 का बंद करे और 92 का सत्व है ऐसा, तो इनके उदय स्थान आएंगे सब। और आहार की अपेक्षा से सभी काल आएंगे, पंचेंद्र त्रियंच और मनुष्य की अपेक्षा से केवल असंयत की अपेक्षा से उदय स्थान आएंगे। यहाँ पर भी पंचेंद्र त्रिंच में भी पाए जाएंगे ना वहां पर, इसलिए 21 दोनों की मनुष्य और त्रिंच की अपेक्षा, और इसके अपेक्षा 25 आहारक की अपेक्षा 25 आएगा, 26 मनुष्य और त्रिंच की अपेक्षा आएगा, 27 आहारक की अपेक्षा आएगा, 28 मनुष्य की अपेक्षा आएगा, 29 और 30 आहार की अपेक्षा 25, 27, 28, 29 आएंगे, सामान्य मनुष्य और पंचेंद्र त्रिंच की अपेक्षा 21, 26, 28, 29 और 30 आएंगे, और पंचेंद्र त्रिंच की अपेक्षा से 31 भी आएगा, 30 और 31, 24 नहीं है यहाँ इसमें केवल, या इसमें क्योंकि इसमें एक केंद्र नहीं है, तो 8 उदय स्थान होंगे, 21 से लेकर 31 तक, बीच में 24 को छोड़ दिया, 24 को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ 28 का बंधन नहीं है एक केंद्रियों में, और विकलत्र भी नहीं आएंगे इसमें। 28 का बंद स्थान 91 का सत्व, तो किसको पाया जाएगा, केवल नरगति के सन्मुख मिथ्या दृष्टि मनुष्य को ही पाया जाएगा, तो वह उदय स्थान कौन सा होगा, नियम से 1-30 का ही होगा, 30 का एक ही उदय स्थान होगा। अब 28 का बंध और 90 का सत्व सभी त्रिंच और मनुष्यों में पाया जाएगा, तो यह 28 का बंध कर रहा है वह जीव असंयत ही होगा मनुष्य और त्रिंच में, नहीं नहीं या तो सत्व स्थान 90 है ना, तो सभी आ सकते पर्याप्त पर्याप्त सभी, यहाँ कोई विद्या दृष्टि वगैरह से विशेष नहीं लगाया है, तो सभी तो यहाँ पर अपर्याप्त काल में तो उसकी अपेक्षा से आएंगे असंयत की अपेक्षा से, 28 का बंद कर रहा है और 90 का सत्व है, तो असंयत की अपेक्षा से वहां पर उदय स्थान आएंगे, क्योंकि अपर्याप्त मिथ्यात्व में वह 28 का बंध नहीं करता है, 28 का बंध करने वाला पर्याप्त जीव ही होता है, लेकिन अपर्याप्त काल में चतुर्थ गुण स्थान वर्ती मनुष्य त्रिंच कर सकते हैं, इसलिए उस अपेक्षा से वो सब उदय स्थान आएंगे, चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा 21, 26, 28, 29 और 30 और त्रिंच की अपेक्षा से 31 भी आएगा। मिथ्या दृष्टि करेगा लेकिन पर्याप्त काल में ही करेगा, तो वहां पर 29, 30, 31 उदय आएंगे, लेकिन पहले 21, 26 जो है वो केवल चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा से ही उदय स्थान आएंगे। 28 का बंद करार 88 का सत्व है, वो भी सौज्ञ त्रियंच और मनुष्य है, मतलब पंचेंद्र त्रियंच और मनुष्य आएंगे, लेकिन इसमें कौन से काल आएंगे, अपर्याप्त काल ही आएंगे, पर्याप्त काल कुछ समय तक आ सकता है, वहां पर सब आएंगे, यहाँ पर 21 भी आएगा, 21, 26 ये आएंगे ना, इसमें नहीं आएंगे,
बराबर 21-26 में नहीं होगा उल्टा, मेरा उल्टा हो गया, 21 और 26 में 28 का बंध मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है ही नहीं, इसलिए पर्याप्त होने पर जो 84 की सत्ता वाला है वो पर्याप्त होने के बाद ही देव चतुष्क का बंध करेगा, तब 88 का सत्व हो जाएगा उसको। तो 28, 29, 30 और 31 ये चार उदय स्थान पाए जाएंगे। तीस नहीं है, 28-29 नहीं दिया है क्या? कभी देते कभी नहीं देते हैं, मतलब बंद करेगा शरीर प्राप्ति के बाद तो होगा उसमें, और नहीं करेगा तो नहीं रहेगा, ऐसा दो मतलब उसमें है ऑप्शन है। तो 28-29 नहीं लिया है, दो ऑप्शन है उसमें शरीर पर्याप्ति के बाद। तो यदि करेगा बंद, नहीं करेगा तो 28-29 के उदय में नहीं आएगा वो सत्व। 30-31 दो ही लिए हैं, अभी बीच में लिया था ना 28-29 में भी, वहां पर 28 का बंद और उसका उदय, 30-31 के 28-29 के उदय में ये लिया था 88 का सत्व। मिथ्या दृष्टि में नहीं बनते, सम्यक दृष्टि में केवल देव ही, नरक का बंध किसी भी अपेक्षा से अपर्याप्त काल में नहीं है, पर्याप्त काल में ही होगा। और देवगति का बंध चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के और मनुष्य त्रिंचे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने पर्याप्त होने के बाद ही वहां देव पूरी पर्याप्ति होने के बाद ही देव चतुष्क और नारक चतुष्क का बंध लिया, इसलिए वह केवल 30-31 का ही उदय आ गया। अब 29 का बंद कर रहा है और 93 का सत्व है, ऐसा कौन होगा? तो देव तीर्थ का बंद कर रहा है, ऐसा चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती मनुष्य या छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मनुष्य होगा। तो इसमें हाँ, तो आहार कृद्धि वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो भी 29 का बंद कर रहा है और उसको 93 का सत्व है, तो उसके भी उदय स्थान आएंगे, उसके सब उदय स्थान आएंगे और मनुष्य के भी सब आएंगे, इसलिए दोनों के मिलाकर के उदय स्थान करेंगे 21 मनुष्य संयत की अपेक्षा और आहारक की अपेक्षा 25, मनुष्य की अपेक्षा 26 और आहारक की अपेक्षा 27, 28 दोनों की अपेक्षा, 29 दोनों की अपेक्षा और 30 मनुष्य की अपेक्षा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो खाली इसमें इसमें कौन है इतना दिमाग में लिया ना, बराबर होता है। मनुष्य जो है उनके भी सब काल आएंगे और आहारक के सब काल आएंगे, तो सबके मिलाकर के काल करेंगे तो मनुष्य के करेंगे 21, 26, 28, 29, 30 हाँ, तो असंयत में आ जाएंगे। और इसके आहारक की अपेक्षा 25, 27, 28, 29 आएंगे, प्रकृति का सत्व है 93 है, इसलिए अब 29 के बंद स्थान में 91 का सत्व है, लेकिन आहारक वाला नहीं आएगा क्योंकि 91 का सत्व है तो आहारक नहीं है। तो मनुष्य पर्याप्त या नरक, अपर्याप्त में मनुष्य पर्याप्त युद्ध का बंद करता है तब उसको 91 का सत्व पाया जा सकता है। तो इसमें नरक के दो काल आएंगे, विग्रह गति काल, मिश्र काल, और मनुष्य के जो है वह पर्याप्त काल भी आएगा और अपर्याप्त काल भी आ सकता है, मतलब मनुष्य पर्याप्त ही लेंगे लेकिन उसके सब काल आ जाएंगे, क्योंकि वह देव से आकर के चौथे गुणस्थान में 91 का सत्वाल हो सकता है। तो 21 और 25 नरक की अपेक्षा से, मनुष्य की अपेक्षा 21, 26, 28, 29 और 30, 27 नहीं है ना, 27 नहीं है ना, सत्ताईसला पण असणार की नाही, खरे उस समय 29 का बंद नहीं होगा, 27 के उदय में 30 का बंद होने लगेगा उसको, 29 के बंद में 91 का सत्व देखना है ना, वो केवल नरक अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि में ही होगा,
समय दृष्टि में नहीं होगा। पर्याप्त है वो, पर्याप्त मतलब लब्ध पर्याप्त नहीं, पर्याप्त ऐसा लेना है केवल उसमें। हाँ, और असंयत आएगा यहाँ पर। असंयत आएगा, वह क्या लिखा है? बराबर है, वो पर्याप्त मनुष्य इसलिए लिखा कि वो नरगति के जाने के सम्मुख होता है, तो वहां पर भी 29 का बंध होता है उसको और 91 का सत्व पाया जाता है। और वो मनुष्य अपर्याप्त में भी मतलब निवृत्ति पर्याप्त में भी वहां पर पाया जाएगा 91 का सत्व। अपर्याप्त मतलब वो लब्ध पर्याप्त होता है ना, इसका अर्थ इसलिए नहीं लेंगे। निवृत्ति पर्याप्त, हाँ निवृत्ति पर्याप्त भी ले सकते हैं। और बीच के काल मतलब मनुष्य के सभी काल आएंगे चौथे गुण स्थान में इसका। हाँ 27 लिया है वहां पर। सत्ताईस 28 29 30। कहाँ पर? एक मिनट कहाँ पर, एक मिनट ठहरो। 29 के इसमें एक है, मतलब जब तक शरीर पर्याप्ति के बाद उसको बोला है ना कि उसको इसका सम्यक्त हो करके वो 30 का ही बंद करेगा। 91 का सत्व वाला है तो 20 27 28 29 30 ऐसा भी हो सकता है। शरीर पर्याप्ति के बाद वह दो करण परिणाम करके वेदक सम्यक्त तो प्राप्त कर रहा है, तो वहां पर उसके लिए भी टाइम गया होगा, ऐसा भी ले सकते हैं। नहीं नहीं 27 नारकियों की अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा कैसे आएगा? आहार की अपेक्षा यह नहीं है, क्योंकि आहारक का अभी बताया ना कि 29 का वह बंध नहीं होगा यदि वो तीर्थंकर की सत्ता वाला है तो उसको नहीं, 29 का होगा। आहारक 91 का सत्व है ना, इसलिए आहारक वाला नहीं लिया। वो नारकी अपर्याप्त की अपेक्षा लिया ना, 21 25 27 नारकी अपर्याप्त की अपेक्षा लिया, और मनुष्य की अपेक्षा 21 26 28 29 और 30 लिया। तो 27 का नहीं लिया क्या उन्होंने? तो हमने भी, मेरा भी मत था ना वो 27 का नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन यहाँ लिखा है उन्होंने तो इसलिए। हाँ तो यहाँ पर 7 ले हो दे, 27 का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो सकता है नहीं हो सकता है ऐसा दोनों भी। अब 29 के बंधस्थान में 92 और 90 का सत्व है, तो वहाँ चारों गति के जीव इसके स्वामी हैं, तो उसके अपेक्षा से सब उदय स्थान आएंगे। 21 से लेकर 31 तक सब आएंगे, 9 उदय स्थान। 29 का चल रहा है ना अपना, 29 का बंध कर रहा है और 28 और 84 का सत्व है, तो इसके स्वामी कौन है? 1 इंद्र से 5 इंद्र और मनुष्य। हाँ मनुष्यों में भी वहाँ पर 84 का सत्व अपर्याप्त में ही पाया जाएगा, पर्याप्त होने के बाद वह बंद कर सकता है वह। तो यहाँ पर भी 21 से लेकर के सब आएंगे ना, 21 से लेकर 31 तक सब बंदस्थान आएंगे, तो यहाँ अलग क्यों लिया है इनको? स्वामी की अपेक्षा से भेद है इसमें।
फिर 29 का बंद करते समय 82 का सत्व, ये किसमें होगा? 53 में ही होगा। तो यहाँ पर एक कौन सा पाया जाएगा? उदय स्थान 53 की अपेक्षा से 21, 24, 25, 26। हाँ, अपर्याप्त लेंगे ना, आगे के नहीं लेंगे ना, यहाँ पर वैसी का सत्व, तो 4 ही उदय स्थान पाए जाएंगे यहाँ पर। अब आगे 30 का बंद कर रहा है और 93 का सत्व है, ये कौन होगा? नियम से देव असंयत ही होगा, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। तो यहाँ पर देव असंयत है, तो यहाँ पर 21, 25, 27, 28 और 29, ये 5 उदय स्थान पाए जाएंगे वहां पर। अब 30 का बंद कर रहा है और 91 का सत्व है, तो यह कौन हो सकता है? नारकी और देव असंयत। नारकी भी हो सकता है और देव भी असंयत। यही उदय स्थान आएंगे इसमें भी, क्योंकि नारकी और देव के समान है उदय स्थान। 30 का बंद कर रहा है और 92 और 90 का सत्व है, तो यह जीव कौन हो सकता है? चारों गति का मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि सब हो सकते हैं। मनुष्य तीर्थंकर नहीं आएगा, तो मिथ्या दृष्टि आएंगे सब उसमें, क्योंकि 30 में मनुष्य पर्याप्त नहीं है ना। 29 का मनुष्य पर्याप्त वो देव और नारकियों को होता है, और 30 का जो है वो मनुष्य करेगा तो देव आहारकयुत का ही करेगा। तो यहाँ पर स्वामी कौन होंगे? चारों गति के मिथ्या दृष्टि। चारों गति के जीवाएंगे। तो चारों गति के जीव होने से यहाँ पर 21 से लेकर के 31 तक सभी उदय स्थान पाए जाएंगे। कभी भी चारों गति के जीव और मिथ्या दृष्टि है तो यहाँ पर सभी उदय स्थान पाए जाएंगे, केंद्रीय आदि की अपेक्षा मनुष्य तिरंज सब आएंगे इसमें। अब 30 का बंद कर रहा है और 88 और 84 का सत्व है, तो ये कौन है? यह भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक और मनुष्य भी होगा। तिरंचार मनुष्य लिखते हो। मनुष्य अपर्याप्त लेंगे, मनुष्य का मतलब अपर्याप्त मतलब निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा लेंगे। तो यहाँ पर विकलत्र के और उसके अपेक्षा से केंद्र की अपेक्षा सब आएंगे ना, 9 सभी होंगे, क्योंकि एक केंद्र के 21, 24, 25, 26, 27 आएंगे, विकलत्र के आगे के 28, 27, 28, 29 सब आएंगे, 9 उदय स्थान सभी होंगे इसमें। 30 का बंद करा और 82 का सत्व है, तो यह कौन होगा? एक तो स्वस्थान में तेजो का एक वायु का एक होगा और उत्पन्न स्थान में विकलत्र पंचेंद्रिय भी होंगे, तो त्रियंज ही होंगे। तो यहाँ पर भी 26 तक ही होंगे, 21, 24, 25, 26 एक इंद्र की अपेक्षा आएंगे और विकलत्र और पंचेंद्र की अपेक्षा 21 और 26 ही आएगा, इसलिए 4 ही उदय स्थान आएंगे 82 में। 82 में 4 ही उदय स्थान पाए जाते, 21, 24, 25 और 26 कहीं पर भी। अब 31 का बंद कर रहा है और सत्व है 93, एक ही सत्व रहता है ना, 31 के बंद वाले को सत्व एक ही होता है, तो यहाँ पर उदय स्थान कौन सा होगा? अभी बताया था एक ही, तीनों एक एक है, 31 का बंद, 30 का उदय और 93 का सत्व, 21 को होगा 7वें और 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक। अब लास्ट का एक बच गए, एक का बंद स्थान, और वहां पर सत्व स्थान कौन कौन से होंगे? 8 होंगे, 93 अधिक 4 और 80 अधिक 4, तो वहां उदय स्थान कितने होंगे? 31 का ही होगा। सबंद ठाणे
दुख नौ दळ चदुरी रसीदी सत्त पदे इगी विसादी नौ दौ बासी दे एकवीस चौ। सत्व स्थान कौन कौन से लिया, दु नौ द ख नौ द, मतलब 92 90 अड़सीदी चतुसीदी च असीदी और नहीं चार ही लेना है ना, 92 90 84 और 82 84 नहीं 88 और 84। इस सत्व स्थान में उदय कौन कौन से होंगे, 21 21 आदि 9 दो 21 अधिक 9 उदय स्थान है। बासी दे 21 चौ पैसे के सत्व स्थान में 21 आदि 4 ही है, सब जगह बैसे के सत्व स्थान में 4 ही आएंगे, 21 24 25 और 26 ये 4 सत्व स्थान आते हैं। ये पुनः पुनः क्या इसलिए बहुत पक्का हो गया सब। अब आगे बताते 770 नंबर का था, एवं पण छवीस अड़वीस बंद गे नौ दु नौ दम से सादि नौ दया चौबीस अट्ठान परिहीना। जिस और 26 के बंद स्थान में 25, 26 और 28 तीनों के बंद में 92 और 90 के सत्व में 21 आदि 9 उदया 21 आदि 9 उदय स्थान है सभी के 92 और 90 में और 24 अठान परिहीना, लेकिन उसमें केवल 24 का जो स्थान है वह कम करना, मतलब 28 के बंद में 24 का स्थान कम करना, 25 और 26 में 24 भी आएगा, 25 और 26 का बंद स्थान और 21 अधिक 9 उदय इसमें नहीं 92 और 90 का सत्व उसमें 21 से लेकर सब 9 उदय स्थान है, लेकिन 28 के बंद में 92 और 90 का जब उदय होगा 28 के बंद स्थान में, नहीं 28 का बंद नहीं लेना है क्या। एवं पण 26 है मतलब इसी प्रकार, मतलब 23 के बंद में जो सत्व स्थान बताए उदय स्थान बताए वैसे 25 और 26 के बंद स्थान में सत्व उदय स्थान इसी प्रकार है, 28 में आगे लगाना। पच्चीस और 26 के बंद स्थान में 23 के बंद स्थान से कुछ विशेष नहीं है, जैसे 23 के बंद स्थान में 90 92 90 88 84 में 9 उदय स्थान बताए और 82 में 4 उदय स्थान बताए, ऐसे 25 और 26 के बंद में भी 92 90 88 84 में 9 उदय स्थान होंगे और 82 के सत्वों में 4 उदय स्थान होंगे। अब आगे 28 के बंद में बता रहे हैं, एवं से लगाना सब, एवं पण 26 से, फिर 28 के बंद में दो नौ दम से 92 के अंश में मतलब सत्व में वहां पर उदय स्थान कितने होंगे, 21 से लेकर के 9 उदय स्थान है और 90 के सत्व में केवल 24 नहीं है क्या, नहीं 9 स्थानों में से 24 कम करना, 8 उदय स्थान है, 28 के बंद में 92 के सत्व में 21 से लेकर के 9 उदय स्थानों में से 24 का कम करना, मतलब 8 उदय स्थान होते हैं। अब आगे बताते हैं, ये नौ दिए तीसम उदो नौ दिए तिरिय सन्निम्बा अड़सी दिए तीसदु नौवी से बंद गे तिनौ दिए। सत्व में कौन सा चल रहा है, 28 का बंद और 91 का सत्व, इसमें तीसम उदो एक केवल 30 का उदय है, नौ दिए त्रिय संबा नववद के सत्वों में त्रियंच सौमी त्रियंच के समान तो 6 उदय स्थान होंगे, 21 26 28 29 30 31। अड़सी दिए तीस दो 28 के सत्वों में 30 और 31 का उदय होगा, नववी से बंद के 3 उदिये 29 के बंद में और 93 के सत्वों में। अब आगे बताते हैं, सादठो दो चौवीसो नौ दो नौ दे नौ दितिये इगी वीस नवी गी नौ दे
निरयंब छवि सती सधिया, बंद स्थान चल रहा है। और उदय सत्व स्थान कौन सा बताया? 93। इसमें 21 से लेकर के 8 उदय, उसमें 24 कम करना, तो 21 से लेकर के 30 तक लेना और उसमें से एक 24 का कम करना, मतलब 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और 2 9 दी 9 दी 3, 92 और 90 के सत्व में, 21 9 9 दे, 21 से लेकर के 9 लेना, 92 और 90 लिया ना, 92 और 90 9 दी 3, मतलब 90, 88 और 84 तीन लेना ना यहाँ पर। उसमें 21 से लेकर के 9 उदय स्थान है। निरयंब छवि से 30 दिया, नरक के समान यहाँ पर चार लेना है ना, 29 का बंध और 92 और 90 का सत्व बताया, 9 दे लगाना है, 91 के सत्व में निरयंब नरक के समान है। 26 30 दिया, इसमें अधिक क्या करना है, वापिस 26 और 30 अधिक करना है, तो इसमें 27 भी लिया उन्होंने, 21 25 27 28 29 तो नरक के समान आएंगे, लेकिन उसमें और दो जोड़ना है, 26 और 30 अधिक करना है। उसमें ये लिया ना, नारकीय पर्याप्त और मनुष्य की अपेक्षा से लिया। तो यहाँ गाथा में उन्होंने 27 लिया है, इसलिए अपन नहीं टाल सकते उसको, क्योंकि फिर वो एक उदय स्थान कम हो जाता ना वहां पर। हाँ, विशेष अर्थ उसी में लिया है, हमारा भी विचार तो है, लेकिन अपेक्षा आचार्य ने अलग ली कि वहां पर मतलब ऐसा हो भी सकता है 27 के उदय स्थान में कुछ काल तक, थोड़े काल तक वो मिथ्या दृष्टि रहा और करण परिणाम वगैरह करने तक, फिर वहां समय दृष्टि होगा, ऐसा भी हो सकता है वहां पर। अब आगे 773 नंबर का आता है, 26 30 बंद तिगि नऊ दे, सुरमेव दु नऊ दि नऊ दे, चौसुद ओनति संवा। 29 के बंद स्थान में 82 के सत्व में, एक ही चौपण 26 है 21। अब 30 के बंद में 93 के सत्व में, सुरमिव देवों के समान लेना, दो नौ दे, 92 और 90 के सत्व में, चौसो उदय चारों गतियों के उदय होंगे, 29वां मतलब 29 के उदय के, 29 के बंद में जो उदय स्थान बताए वे ही आएंगे। 9 दी 400 मतलब 90, 88, 84, 82, ये सब 29 के समान लगाना, मतलब 29 में जैसे लगाए वैसे ही उदय स्थान आएंगे, 9 9 उदय स्थान 88 84 में आएंगे और 82 में चार ही आएंगे, 21 24 25 26 आएंगे। अब आगे 31 के बंद स्थान में बता रहे हैं, बंद ठाणे ते नौ दे, तीस में व उदय पदम, ये बंद ती नौ दिचौ सीधी चौके विति सुदो। स्थान में तीसमेव उदय पदम, केवल 30 का ही उदय स्थान है, और एक ही बंध 3 9 दी 4, एक का बंध उसमें 93 अधिक 4 और सीधी चौके मतलब 80 अधिक 4 में 30 उदो, केवल 30 का ही उदय है। इस प्रकार यह बंध स्थान और सत्व स्थान को आधार बना करके उदय स्थानों का कथन किया, मतलब उसका उदय स्थान को आधेय बनाया। अब यहाँ एक आखिर का बच गया है, कौन सा उदय स्थान, अभी नहीं, सत्व स्थान और उदय स्थान को आधार बनाएंगे और बंद स्थान को आधेय बनाएंगे, थोड़ा आप लगा करके आ जाओ। जानी यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, देखिए भीतर अलम अलम अति जल्पे ही
दुर्विकल्प ही इन सब अति जल्पों से बस हो, इन विकल्पों से भी बस हो, अब एक परमार्थ का ही वेदन करो। परमार्थ चैत्यताम, एक शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ, चैतन्य का पिंड, चैतन्य मार्तंड ऐसा यह जीव भीतर विद्यमान है। उसकी तरफ देखिए एक क्षण के लिए, एक क्षण अपने निज स्वरूप का आस्वादन लीजिए। अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अखंड निरामय स्वरूप निर्विकल्प स्वरूप स्वरस परिपूर्ण स्वरूप अचलार्चि स्वरूप स्वत सिद्ध स्वरूप बंधस्थान उदय स्थान रहित स्वरूप ज्ञानोदय स्वरूप निर्बंध स्वरूप सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धोहम एकोहम द्रोहम ओ नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्यायाणं नमो लोये सवसावूनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायानं नमो लोये सवसावूनं।